नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम दीक्षित। मेरे चैनल टेक टिप्स एंड ट्रिक्स में दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और हाजिर हूँ दोस्तों आपके सामने फिर एक आज नया वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कुछ एक ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में, यानी कुछ एक ऐसी चीज़ों के इस्तेमालों के बारे में बताऊंगा कि अगर आप रोज सुबह इन चीज़ों का दोस्तों सेवन करते हैं तो आपको थकान और कमजोरी जैसी समस्या जो है वो कभी भी नहीं होगी और आपके शरीर में भरपूर मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं और पोषक तत्व आपके शरीर में जो है वो मौजूद रहेंगे, जिससे आपको और भी कई तरह की समस्याएं नहीं होंगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने के लिए, हेल्दी शरीर के लिए आपके स्वस्थ खान पान दोस्तों जो है वो होना बेहद ज़रूरी है, तब जा करके आप अपनी जीवन जो है वो शैली को खुशनुमा बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात की जाए तो बादाम की। बादाम को रात में भिगोकर आपको रख देना है और फिर सुबह उठकर छीले हुए बादाम को आपको जो है वो सेवन करना है। इनमें भरपूर मात्रा में दोस्तों पोषक तत्व जो है वो पाए जाते हैं और विटामिन ई अच्छी खासी मात्रा में जो है वो पाया जाता है बादाम के अंदर, जो स्किन और बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके साथ ही बादाम दिमाग के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा पूरे दिन व्यक्ति के अंदर एनर्जी बनी रहेगी, उसको थकान और कमजोरी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। दूसरी बात करें तो वो है किशमिश की। किशमिश आंत के लिए बहुत अच्छी फायदेमंद मानी जाती है। इसके लिए रात में किशमिशों को भिगो दें और सुबह उठकर भीगी हुई किशमिश को जो अगर आप खाते हैं उनको खाएं। इसके अलावा जो पानी है उसको आपको फेंकना नहीं है, उसको भी आपको पीना है, जिससे आपके शरीर में जो है वो रक्त का संचार बहुत अच्छी तरीके से रहेगा और आपकी त्वचा एकदम चांदी की तरह चमकेगी। किशमिश पाचन को जो है वो स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसके अलावा बाल झड़ने की समस्या है, इसके अलावा इसमें आयरन है और विटामिन बी जैसे कई सारे पोषक तत्व जो है वो मौजूद होते हैं। तो आप किशमिश का साथ में पानी भी पिए और वो रात की गली हुई किशमिश भी आप जरूर खाएं। इसके अलावा हल्दी का पानी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जब भी आप कभी खाना खाएं, सुबह या शाम कभी भी, तो आपको क्या करना है, एक कप में आप गर्म पानी ले सकते हैं या गिलास में आधा गिलास पानी ले सकते हैं, हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए। उसमें एक चुटकी आप हल्दी डाल करके उस पानी को पिए, वो पूरे दिन आपको एनर्जी से भरपूर रखेगा और आपको थकान और कमजोरी नहीं होने देगा। ये हल्दी के पानी में दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त पावर होती है। आप सुबह के समय खाली पेट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और खाने के बाद भी आप दोस्तों इस हल्दी के पानी को पी सकते हैं। हर तरह से दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ये कुछ तरीके मैंने आपको बताए कि अगर आप सुबह ये तरीके अगर आप अपनाते हैं तो आपको जीवन में कभी भी थकान और कमजोरी ऐसी समस्या आपको नहीं होगी। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।